अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी फुरकान अहमद और आप देख रहे हैं ग्लो स्टार रियल एस्टेट। आज हम आपको एक कनाल का बहुत ही खूबसूरत घर विजिट करवाने जा रहे हैं जिसकी लोकेशन बहुत ही बेहतरीन है। अगर घर की लोकेशन के हवाले से बात की जाए तो घर के बिल्कुल ऑपोजिट कमर्शियल हब है और उसके साथ ही आगे नोवा सिटी स्कूल और उसके साथ आगे आर्केड शॉपिंग मॉल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इसके कारकोच में। अगर कारकोच की बात की जाए तो यहाँ बड़ी 3 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं जबकि छोटी या 5 गाड़ियाँ इजीली यहाँ पे पार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसकी सीलिंग देखिए, सीलिंग में वाइट और ब्राउन बहुत ही प्यारा कम्बिनेशन हो रहा है और इसी के साथ यहाँ पे एक लॉन है और चारों अतराफ पे घर के जो है ना वो 4 फीट की गैलरी छोड़ी गई है वेंटिलेशन के लिए। इसके साथ साथ अब हम घर का इंटीरियर विजिट करते हैं, आए अंदर की जाते हैं। घर में इंटर होते साथ ही ये छोटा सा इसका पाउडर रूम बना हुआ है इस साइड पे और उसके बाद अगर आप इसकी सीलिंग और ये जो ग्लोब फॉर यूज कर रहा है इसको देखते हैं तो ये बहुत ही प्यारा डिजाइन और बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन हुआ हो। इसके बाद आगे बढ़ते हुए चलते हैं हम इस तरफ, ये इसका ड्राइंग रूम। अगर मैं आपको इसका इंटीरियर प्रेजेंट कराऊँ तो बहुत ही प्यारा ड्राइंग रूम बना हुआ है, इसका भी सीलिंग कॉम्बिनेशन और सीलिंग डिजाइन बहुत ही यूनिक और बहुत ही प्यारा है। और ड्राइंग रूम के साथ ये ड्राइंग रूम का एक और हिस्सा है, ये भी ड्राइंग रूम का पार्ट ही है, ड्राइंग रूम काफी बड़ा है। इससे ड्राइंग रूम से होते हुए अगर हम आगे चलें तो यहाँ आप इस वक्त मैं मौजूद हूँ इसके सिटिंग एरिया में टीवी लॉन्च में। टीवी लॉन्च और ड्राइंग रूम की एक खास बात इस घर में ये है कि अगर आप टीवी लॉन्च और ड्राइंग रूम को अगर आप कंबाइन करना चाहते हैं तो ये आप बहुत ओपन करें तो ये काफी बड़ी स्पेस आपकी बन जाती है, सिटिंग एरिया बन जाता है। और टीवी लॉन्च में पहुंचने के बाद अगर इसकी आप सीलिंग और फार्मूस यहाँ पे देखें तो ये भी बहुत ही प्यारा और बहुत ही यूनिक कम्बिनेशन है इसकी सीलिंग। इसके अलावा अगर आप टीवी लॉन्च में वॉल्स पे डिजाइन बना हुआ देखें और यहाँ पे आप इसके एरिए में आप सीलिंग और फार्मूस देखें, ये जो लाइट्स लगी हुई है छोटी छोटी दीवार के साथ ये भी जो है ना इस एरिए को बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ इस घर में मौजूद साथ ही बहुत ही प्यारा और बहुत ही बड़ा किचन है तो आए हम किचन को प्रेजेंट करते हैं अंदर से। किचन में इनका छोटे साथ सबसे पहले तो ये आप देखें इटालियन डिजाइन में इन्होंने कुछ कवर्ड्स इसमें बनाई हुई हैं और आप किचन देखें तो किचन काफी बड़ा हो, इसमें जो शीट्स का यूज किया गया है ग्रे कम्बिनेशन और ब्लैक ग्रेनाइट का कम्बिनेशन तो ये बहुत ही प्यारा कम्बिनेशन हुआ होगा इसका। और ये कुछ इसकी जो इन्होंने की हुई है इटालियन डिजाइन में कुछ चीजें इन्होंने बनाई हुई हैं और इसके साथ ये आपका ये भी ऑन हो जाता है कभी कभी तो इसके साथ एक छोटा सा ये इसका डर्टी किचन आप कह सकते हैं छोटा सा बनाया हुआ है इन्होंने। इसके अलावा और इस घर की मजीद आपको बताने के लिए कि इसके ग्राउंड पोर्शन में 3 रूम्स हैं, 3 बेडरूम हैं और तीनों बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम्स हैं और वॉशरूम्स भी काफी बड़े हैं, हर वॉशरूम में एक एक कबर्ड है। तो आज सबसे पहले आपको इसका रूम 1 विजिट करवाते हैं अंदर से, उसकी सीलिंग, उसका इंटीरियर, उसका वॉशरूम आप देखें तो बहुत ही प्यारा जो है इन्होंने इसका इंटीरियर इस रूम का बनाया हुआ है तो आप इंटीरियर इसका विजिट कर सकते हैं। और देन अटैच वॉशरूम, और आप वॉशरूम को विजिट करें, वॉशरूम में अपनी कबर्ड और अपनी कबर्ड बनी हुई है और वॉशरूम काफी बड़ा है इसका आप विजिट कर सकते हैं इसको। और इस रूम की एक खास बात ये है इस रूम में एक स्टोर भी है। अब हम सेकेंड रूम की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड रूम की खास बात यह है कि इसका जो सीलिंग का डिजाइन है वो यूनिक और बाकी सब रूम से डिफरेंट है और इस रूम में वॉशरूम के साथ साथ आपको रूम की अपनी एक कबर्ड भी देखने को मिलेगी।
जो कि इस बिहाइंड द डोर है। आप इसकी कवर देख सकते हैं, कवर देख सकते हैं, ये रूम के अंदर कवर्ड है जिसमें आप अपने ड्रेसेस और इस तरह की कुछ चीजें रख सकते हैं। इसके बाद आप इसके सेकंड पोर्शन पे चलते हैं। आई आपको सेकंड पोर्शन दे सकते हैं। हम इसके सेकंड पोर्शन पे आ गए हैं। ये छोटा सा एक एरिया आप इसको लाइक किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसके इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पे ओपन किचन है। सबसे पहले तो आप इसके टीवी लॉन्च के साथ आप इसका ओपन किचन देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप ब्लैक और ग्रे का बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। और यहाँ पे भी इन्होंने इटालियन स्टाइल्स की कुछ चीजें जो है ना वो यूज की हुई है, जैसा कि ये हैश पे और इसके अलावा और भी इसके साथ जो है ना काफी इटालियन पर्पस से बने हुए ये किचन। किचन से होते हुए आप घर के आपको बहुत ही खूबसूरत विषय में आपको ले जाते हैं हम। आप अगर देख सकते हैं यहाँ पे ओपन टू स्काई बारबेक्यू एरिया। बारबेक्यू एरिया के साथ यहाँ पे इन्होंने एक स्टोर दिया हुआ है जिसमें आप अपनी जरूरत की अशिया रख सकते हैं। और स्टोर के साथ यहाँ पे इन्होंने एक ग्रेटी किचन भी दिया हुआ है। आप इस किचन को भी विजिट कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छी जगह है। इसकी बहुत ही प्यारा व्यू है और ओपन टू स्काई आप यहाँ पे बारबेक्यू कर सकते हैं। और इसके अलावा हम चलते हैं अब इसके रूम्स की तरफ। अगर एक साथ ही आपको रूम फर्स्ट विजिट करवाए तो रूम के अंदर अपनी कवर, उसके बाद रूम का सीलिंग डिजाइन, रूम में अटैच वॉशरूम आप देख सकते हैं इसके राइट साइड पे है रूम का वॉशरूम। इसके अलावा अगर इस रूम की मैं बात करूं तो इस रूम के दो साइड से विंडो है जहां पे आपको बाहर का बहुत ही प्यारा व्यू है वो देखने को मिलता है। इवन के सामने इसके नोवा सिटी स्कूल और उससे थोड़ा सा आगे आगे शॉपिंग मॉल भी आपको देखने को मिलेगा। अब हम इसके सेकंड रूम की तरफ चलते हैं और सेकंड रूम आपको विजिट करवाते हैं। उसके साथ इसके अटैच वॉशरूम है और काफी बड़े वॉशरूम है विद सेपरेट टॉयलेट्स। अगर इस रूम की बात की जाए तो ये रूम भी बहुत ही प्यारा बना हुआ है। आप इसका सीलिंग का डिजाइन देख सकते हैं और यहाँ पे भी वॉशरूम है अटैच वॉशरूम। वॉशरूम के अंदर अपनी कवर्ड है, आप कवर्ड देख सकते हैं जो कि आप इसमें जरूरत की अशिया इजीली रख सकते हैं। इसके बाद हम इसके थर्ड रूम की तरफ रवाना होते हैं। थर्ड रूम बिल्कुल इसके ऑपोजिट बिल्कुल सामने है। आई एम आपको विजिट करवाते हैं। जी दोस्तों मैं मौजूद हूँ थर्ड रूम में। थर्ड रूम भी आप विजिट कर सकते हैं। दोनों साइड इसकी बहुत प्यारी बनी हुई है। इसके साथ ही इसमें भी अटैच वॉशरूम है और अगर आप वॉशरूम को विजिट करें तो यहाँ पे भी आपकी जरूरत के शेयर रखने के लिए सेपरेट कवर्ड मौजूद है। यहाँ पे अगर हम इसका टेरेस आपको विजिट करें तो बहुत ही प्यारा व्यू दे रहा है सामने का। सारा सामने इसके कमर्शियल हब है। इसके साथ वो सामने नोवा सिटी स्कूल एंड देन मार्केट शॉपिंग मॉल का भी बहुत प्यारा व्यू यहाँ से आपको देखने को। अब मैं आ चुका हूँ इसके छत पे। अगर आप उस जानिब देखें तो आपको 10 केवी का सोलर सिस्टम इंस्टॉल नजर आए। इस घर में 10 केवी का सोलर सिस्टम भी इंस्टॉल्ड है।